डॉक्टर अंबेडकर संचेतना समिति लखनऊ द्वारा आयोजित कार्यक्रम पूना पैक किया जा रहा है, जिसमें तत्वावधान में अभी सांसद जी से आपने देखा, मैंने बात किया, वो पहुंचे थे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि तौर पर। इसी पर मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ पर भिक्खु गयानलोक जी हैं। सर, आज जो पूना पैक जो मना संगोष्ठी में आया, क्या कुछ है ये पूरा? आज का जो कार्यक्रम अंबेडकर डॉक्टर अंबेडकर संचेतना समिति द्वारा आयोजित है, जो पूना पैक्ट पे महात्मा गांधी और बाबा साहेब के मध्य में जो समझौता हुआ, समझौता से पूर्व में जो आरक्षण के लिए जो नियम बनाए गए थे कि जो वंचित वर्ग है उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो है, जो उनके नेता लोग हैं उन्हीं के द्वारा चुने जाएंगे, सेपरेट निर्वाचन की बात हो रही थी, तो उसके विरुद्ध महात्मा गांधी जी ने आमरण अनशन किया 18 सितंबर से 24 सितंबर के मध्य में। तब बाबा साहेब को महात्मा गांधी जी की चिंता हुई कि उन्होंने आमरण अनशन किया है और उनके महात्मा गांधी जी को बचाने के लिए उन्होंने अपनी मांग को वापस लिए और फिर ये समझौता किए जो आज हम लोगों के बीच में संविधान में लागू है, और जो रिजर्वेशन मिला है राजनीतिक तौर पे दलित वर्ग को, वंचित वर्ग को, तो उसकी देन है पूना पैक्ट की। तो उस पूना पैक्ट को हम लोग फिर से स्मरण कर रहे हैं बाबा साहेब को कि किस तरीके से ये आरक्षण हम सभी लोग को मिला है। अभी कुछ सुधार करने की आरक्षण में क्या जरूरत है सरकार से, क्या कुछ? आरक्षण अभी जो एक सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा अभी जो चल रहा है पूरे देश में आबादी का, जनगणना का, जाति जनगणना का, उसके हिसाब से जब रिजल्ट आ जाएंगे तो इसके बाद में देखा जाएगा कि किस तरीके से ये जो सभी को जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है और जो नौकरियों में प्रतिनिधित्व है वो किस तरीके से, अभी तक ना जनगणना न होने के कारण निश्चित रूप से नहीं मिल पा रहा। दलित वर्ग की SC ST की सीटें तो आरक्षित हैं, परंतु जो OBC कैटेगरी के लोग हैं उनको अभी तक आरक्षण नहीं मिला है। तो इस जनगणना जो ज्वलंत मुद्दा अभी सरकार के सामने और राजनीतिक सभी पार्टियों के बीच में बना हुआ है, इसके आने के बाद में इसमें सुधार की आवश्यकता है, वो सुधार होना भी चाहिए। पूना पैक हर साल मनाया जाता है इसमें। जी हाँ, विगत एक दशक से ऊपर से ये पूना पैक्ट पे बुद्ध विहार में चर्चाएं लगातार होती रही हैं, तो इस बार भी बड़े पैमाने पे इसको आयोजन किया गया है।